इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त हम अपने नाज़िम को बराह रास्त लिए जाना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद हैं और जलसे से खिताब कर रहे हैं। उतरे तो खबर मिली एएमपी का जलसा कैंसिल, खबर मिली पीपी का जलसा कैंसिल, खबर मिली जेएनयू का जलसा कैंसिल। पता है कैंसिल क्यों हुआ? कहते हैं बड़ा खतरा है, चार दहशतगर्द क्वेटा में दाखिल हो गए, बड़ा खतरा है। और पता है खान ने क्या कहा? अगर खतरा है जहां खतरा है वहां इमरान खान है। और कहा अभी तो हम जलसे के लिए निकले तो टीवी पे खबर चल रही थी कि अयूब स्टेडियम के गेट पर फायरिंग हो रही है। पता है खान ने क्या कहा? उसने कहा फायरिंग हो रही है तो चलो स्टेडियम चले। ये है वो विकास लीडर जिसकी कौम मुंतजर है। मुझे कहा गया बलोचिस्तान में बेपना गुर्बत है और सही कहते हैं, जहां 70 साल की नाइंसाफी हो वहां गुर्बत नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन तुमने कहते हैं कि बलोचिस्तान में गुर्बत है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा गुर्बत भी बलोचिस्तान में है और सबसे ज्यादा गैरत भी बलोचिस्तान में है, क्योंकि बलोच बिकता नहीं है, बलोच छूटता नहीं है, जबान का खड़ा होता है, दिल का साफ होता है, नियत का खड़ा होता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कया मयार तो कम हो सकता है लेकिन सियासी शऊर का मयार यहां कम नहीं है। लोग समझते हैं कि हमारे हकूक पर डाका किसने डाला, लोग जानते हैं हमारा मुहावज कौन है, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात को किन हाथों में आई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। और लोग समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की बागडोर कहीं गलत हाथ में आ गई तो कुल बशरी चादर का फैसला बैन अवी अदालत हेग में नहीं मरी की पहाड़ियों की बलंदियों को होगा। मैं आज कोटा में महमूद खान अतिकल साहब से सवाल करने आ रहा हूं। तुमने सारी उम्र शासक की पश्तूनों के हकूक की हिफाजत की शासक की, लेकिन कल तापियो पश्तूनों मैंने कौमी असेंबली में अपने कानों से सुना महमूद खान फाटा के हकूक की जब बात हो रही थी जो 36 रुका थी इस्लाहाती प्रोग्राम जिस पर सब मुत्तफिक हो गए, जिस पर फाटा की आवाज तो पिछली 7 दहाइयों से पिछ रही है और पिछली 3 दहाइयों से जंग की कैफियत में मुबतला है, तब उसके हकूक की बात हुई, तब एफसीआर के काले कानून की दीवार को गिराने की बात हुई तो मुझे दुख हुआ महमूद खान तुम अंग्रेज के उस कानून का सहारा बन गए। और आज मैं कहता हूं बलबला तुम्हारे हल्के में कहता हूं या पश्तूनों के हकूक की बात करो, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में समाने की बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो पूरा हौसला करो और वजातों से मुस्तफी होकर कर चले जाओ, वजारत में भी बैठते हो, पखीलों की बात भी करते हो। 26 तारीख को एक नया बजट पेश किया जाएगा, कौमी फाइनेंस कमीशन का नया आवाज आइन के मुताबिक आना था, सूबों के हकूक की बात होनी थी,
वो नहीं दिया गया। खामोशी से सरे खम तस्लीम किए बैठे हो पब्लिक में पख्तूनों के लीडर और बंद कमरे में नवाज शरीफ को सलाम करते हो। नहीं, बलूचिस्तान और कोयटा की आवाम अब बाशऊर है। अल्लाह ने बलूचिस्तान को सब कुछ दिया, आबो हवा, जमीन, मालिया, मेहनती लोग, जरखेज जमीन, और अगर पानी की किल्लत है तो वो भी हमारी नाकस मंसूबा बंदी है। अगर बलूचिस्तान में डैम बना दिया जाए तो वो जो पहाड़ी पानी है जो तबाही करता है वो आबादी भी कर सकता है, कर सकता कि नहीं कर सकता। ये है बलूचिस्तान की कैफियत। सब कुछ है बलूचिस्तान के पास, अगर नहीं है तो दयानतदार कयादत नहीं है। आज तहरीक इंसाफ ने कोटा के लूप स्टेडियम में ये मैदान सजाया है। इस चिलचिलाती धूप में, इस सिक्योरिटी के आलम में हम आपकी खिदमत में आए हैं, सादा करने आए हैं, आपसे ये ऐद करने आए हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अब तुम्हारे हकूक पे किसी माई के लाल को टाका नहीं डालने देगा, नहीं डालने देगा। इंशाल्लाह हम तुम्हारे हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, हम सिंधी की लड़ाई लड़ेंगे, हम पलोच की लड़ाई लड़ेंगे, हम पठान की लड़ाई लड़ेंगे, हम सराय की इलाके की लड़ाई लड़ेंगे, और हम पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान की शान की लड़ाई लड़ेंगे। ये पैगाम लेकर इमरान खान आया है। और कोटा के लोगों, मैं तुमसे पूछता हूं, इमरान ये अगर लेकर आया है इमरान का साथ दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे, 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 हिम्मत है, खौफ तोड़ दोगे, संजीरें उतार दोगे, गुलामी का ताक जो 70 साल से तुम्हारे गले में है आपको उतार फेंकोगे? तो फिर आओ कह दो, कौन बचाएगा बलूचिस्तान? आज मैं बलोचों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं। कौन बचाएगा बलूचिस्तान? इमरान को लाओगे? वजीर आजम बनाओगे? कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? वो कहते हैं मौलाना नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा। कहते हैं अचकज़ई बड़ा सियाना सियासतदान है, खान को लंगड़ी दे देगा, नहीं बनने देगा, मुकाबला कर लोगे? बलूचिस्तान के काकर अचकज़ई और जो यहां अचकज़ई कबीले के उन्हें पैपना तो दिखाई दे रहे हैं। मैं उन अचकज़ई नौजवानों से पूछता हूं, बड़े तो नहीं, बड़े तो पिक्के नौजवान खड़े खड़े इमरान के साथ खड़े, तो फिर आओ कह दो कौन बचाएगा बलूचिस्तान? और अगर इमरान को यह जिम्मेदारी सौंपती है तो फिर उन गासिबों को जो मुल्क का खजाना लूट गए, जो मुल्क का काबज है, उनको घर भेजना होगा, भेजेंगे तो फिर कहना होगा आई 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 आई। बलूचिस्तान का गरीब मजलूम महरूम नौजवान तरीके इंसाफ का झंडा फलसफा अलम लेकर पूरे बलूचिस्तान में फैल जाए और इसके फलसफे को आम कर दे,
और जहां जहां ये फलसफा आम करने जाओ, कैंपेन करने जाओ, एक हाथ पे तस्बीह पकड़ के एक नारा और लगाते जाना, और वो है गोवर्धन गोवर्धन। और गली गली में शोर है, आस्था बोलो कहीं अचक से सुन ना ले, सुन ना ले, नाराज हो जाएगा, कहीं गली में शोर है। शुक्रिया, फख्र है बलोचिस्तान की आराम पर, बलोचिस्तान की क्यादत पर, तरीके साफ के कारकुनों पर। जिंदाबाद।